पिताजी प्रणाम। खुश रहो। बैठिए पिताजी। और मुझे ये बताइए कि अपनी बेटी को भात में देने के लिए आप क्या लेकर के आए हैं? तेरा निमंत्रण मैंने स्वीकार किया है और जो कुछ मैं लेकर आया हूँ वो तुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मतलब यही तेरी अज्ञानता है। मैं इसी अज्ञानता को दूर करना चाहती हूँ। अभी अंधेरे में है। यही ज्ञान का प्रकाश मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। मैं आपसे यही पूछना चाहती हूँ पिताजी कि आप अपनी इस बेटी हरनंदी को भात में देने के लिए क्या लेकर के आए हैं? मैं वो लेकर के आया हूँ। तैने अभी कुछ देखा नहीं उसे जो मैं लेकर के आया हूँ। और ऐसा भात भरा जाएगा कि ये जमाना याद करेगा। लेकिन मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं देता। आप कह रहे हो कि जमाना याद करेगा, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं देता कि आप कुछ लेकर के भी आए हो। तुझे नकदी चाहिए, यही है ना? आप पिता हो, अच्छी तरह से जानते हो कि बेटी को भात में क्या दिया जा सकता है। तुझे वही चाहिए जो तेरी शादी में मैंने सब कुछ किया था, जो ठाट बाट था, वही चाहिए ना? वही चाहती है। बिल्कुल। और आज अगर वो तुझे ठाट बाट नहीं दिखाई दे रहा है तो तेरी निगाहें बदली बदली है। बाप और बेटे के रिश्ते को भी तेरी नजरों से ये महसूस हो रहा है कि ये चाहती है कि अब तेरे और मेरा रिश्ता बाप और बेटी का है नहीं। मुझे इधर उधर की बातें मत बताइए पिताजी, मुझे सीधा सीधा ये बताइए आप भात में देने के लिए कुछ लेकर के आए हैं या नहीं? और अगर कुछ नहीं लेकर के आए तो निकल जाइए गौशाला से, चले जाइए यहाँ से। मैं आपकी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। कस कस ताने मत मारे, चले जाइए यहाँ से। है मैं बाप तू बेटी मेरी, इस गौशाला तो बाहर निकल मने शकल बुरी लग तेरी पिताजी, शकल बुरी लग तेरी। कस कस ताने मत मारे मैं, चले जाइए। बाप तू बेटी मेरी, गौशाला तो बाहर निकल मने शकल बुरी लग तेरी हो, शकल बुरी लग तेरी। गौशाला तो बाहर निकल मने शक्ल बुरी लग तेरी।
और मेरी ननद मुझे रोज ताने मारती थी। वो रोज मुझे कहती थी कि देखूंगी तेरा वो बाप भात में क्या देगा। मैं भी मजबूर हूँ पिताजी कि ये वक्त नूर को बेनूर बना देता है, वक्त नूर को बेनूर बना देता है और बाप जख्म छोटा सा नासूर बना देता है। पिताजी कौन चाहता है मजबूरियों से गुजरना। अरे क्या बाप के ऊपर घोड़ा उठाने को मजबूर बना देता है वक्त। मैं और कुछ नहीं कह सकती पिताजी, निशब्द हो गई हूँ क्योंकि अपनी सास और ननद के ताने सुन सुन कर मैं बहुत रोई हूँ पिताजी, मैं बहुत रोई हूँ और दुख मुझसे देखा नहीं जाता, इसीलिए आपसे इस तरह से बातें। अरे ये धन बड़ा है, ये बाप और बेटी का पवित्र रिश्ता बड़ा है। यदि बाप को कहीं और जगह से परिवार से ठुकराया जाता है तो उसकी बेटी उसे हमेशा गले लगाती है और तू तने बाप और बेटी के रिश्ते को हरनंदी कलंकित कर दिया है आज हाथ में एक घोड़ा उठा करके। मैंने अपने घर में कोई भंडारा नहीं खोल रखा पिताजी, जो आप अपने साथ इन साधु संतों को लेकर के आए हो। अरे खुद भी निकल जाइए और इन्हें भी ले जाइए यहाँ से, मैंने भंडारा नहीं खोला है। अरे जग हसाई मेरी करवा दी, जग हसाई मेरी करवा दी, ये साधु साथ में लाया, रखेगा क्या इज्जत मेरी, बता के भात में लाया। तेरा दिखा दिए चेहरा मेरे इस हृदय से पूछ कि मुझे कितना दर्द है। आज ये कहती है कि घर से चले जाओ। आपको मेरा दर्द दिखाई नहीं देता पिताजी। अरे जिन हाथों ने पाला पोसा क्या उन्हें दिखाई नहीं देता कि उसकी बेटी पर क्या बीतरी होगी, जब उसकी सास और ननद उसको ताने मारती होंगी तो मुझ पर क्या बीतती होगी। आज मेरे घर इस कंगाली ने, मेरे घर इस टोटे ने इस रिश्ते को कलंकित करने के बाद तेरी जवान को तर तर चलाने के लिए मजबूर कर दिया है। ये केवल केवल टोटा है। वापस चाला जा भिक मंगे, जात दिखावे मत ना तू, जात दिखावे मत ना। घोड़ा उठा के हाथ में बेटी चले जाइए, आप कमावे मत ना। चिकनी चुपड़ी बात करे मेरा जिगर दुखावे मत ना तू, जिगर दुखावे मत ना। शीश पे गिरी हूँ, मौत शीश पे